एक वर्ष के पौधों में तना से 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर थाला बनाकर कंपोस्ट 10 किलोग्राम, यूरिया 50 ग्राम, सिंगल सुपरफॉस्फेट 250 ग्राम तथा पोटाश 250 ग्राम प्रति पौधा प्रयोग करना चाहिए। जब पौधों की आयु 10 से 12 वर्ष की हो जाए तब प्रति वृक्ष खाद एवं उर्वरक की मात्रा का उपयोग कंपोस्ट 50 किलोग्राम, यूरिया आधा किलोग्राम, सिंगल सुपरफॉस्फेट 1 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 किलोग्राम और चूना 2 से 3 किलोग्राम का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि खाद व उर्वरक का प्रयोग जून माह में फल टूटने के बाद ही करना चाहिए। कई बार जस्ता की कमी से लीची के पौधों की पत्तियों का रंग कांस जैसा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपको बाग में जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव के लिए घोल बनाते समय 4 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2 किलोग्राम चूना आधे लीटर पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। अब सिंचाई की अगर बात करें तो नए पौधों की प्रति सप्ताह सिंचाई करनी चाहिए। बरसात के बाद फलने वाले बगीचों में पौधों पर मटर के दाने के समान फल लग जाने के बाद ही सिंचाई करना चाहिए। इस तरह से नियमित अंतराल पर बाग में सिंचाई करते रहना होता है। बगीचे की नमी जब अधिक सूख जाए तो ऐसी स्थिति में सिंचाई करने पर नमी असंतुलन के कारण फल अधिक झड़ता है और फट भी जाता है। इसलिए अच्छी गुणवत्ता वाले फल पाने के लिए लीची के बगीचे में नमी का संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक होता है। आइए अब लीची की एक बड़ी समस्या के बारे में करीब से जान लेते हैं। जी हाँ, फलों का फटना लीचियों में बड़ा ही सामान्य होता है। इसके नियंत्रण के लिए जब फल मटर के दाने के आकार के हो जाए तब एक सप्ताह के अंतर पर नियमित रूप से सिंचाई करनी चाहिए और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड नामक हार्मोन दवा का 4 मिलीलीटर प्रति 20 लीटर पानी के दर से घोलकर 2-3 छिड़काव 10 दिनों के अंतराल पर करने से फल के गिरने एवं फटने की समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है।